अस्सलाम वालेकुम अकील भाई। अगर कोई है ना, किसी ने पूछवाया कि है ना, अगर कोई अपने मुल्क से जैसे पाकिस्तान से मेरी दोस्त है ना, क्या नाम है, वहाँ पर जाए उमरे के लिए और वो फर्स्ट टाइम पहली मरतबा उमरा कर रही है और वो डायरेक्ट है ना मदीना जाए और कुछ दिन स्टे करके मदीना में एक हफ्ता रुक कर फिर मक्के आए और वहाँ से फिर है ना आयशा मस्जिद आयशा से उमरा का नियत करे और फिर उमरा करे, तो ये सही है क्या डायरेक्ट पहले मदीना जा सकते हैं पहली बार उमरा करने वाला? नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। सवाल जो मैं समझा हूं वो ये कि इंडिया पाकिस्तान से जो हाजी आते हैं या मोतमरीन आते हैं वो डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा जा सकते हैं या नहीं, नंबर एक। नंबर दो, मदीना मुनव्वरा चले गए हैं बग़ैर अहराम के, अब वहाँ से वो मक्का मुकर्रमा का सफ़र कर रहे हैं, आया उन्हें मक्का मुकर्रमा में आने के बाद मस्जिद आयशा से अहराम बांध सकते हैं या नहीं? चंद चीज़ें आपकी खिदमत में इस सिलसिले में पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती मुमलकत सऊदी अरब की आवाज़ बग़ैर अहराम के मक्का मुकर्रमा में दाखिल होना क्या जायज़ है किसी भी शख्स के लिए? अब ये शख्स जो उम्रे के लिए आया है उसको तो वीज़ा ही उम्रे का है और वो नियत करके आया है उम्रे की, तो उसे क्या करना चाहिए? सुनिए गौर से। अगर आप मक्का मुकर्रमा में दाखिल होना चाहते हैं और आप बग़ैर अहराम के हैं लेकिन आपकी नियत उम्रे की नहीं है तो आपको इजाज़त है। एक बार फिर अर्ज़ करता हूँ, आप अहराम नहीं पहना हुआ, आपने मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए, किसी रिश्तेदार से मिलना है या किसी काम की गरज से या बिजनेस मीटिंग की वजह से आप दाखिल हुए हैं तो क्या आपको अहराम बांधना ज़रूरी है? शेख ही फरमा रहे हैं ला, ये आपका गर्ज वायद जो थी वो कुछ और थी, इसलिए उसके लिए अहराम बांधने की ज़रूरत नहीं है। لا يلزمه الاحرام तो आप पर अहराम का पहनना ज़रूरी नहीं है। ला हरज अलैह, उस पर एक आदमी दाखिल हो सकता है मक्का मुकर्रमा में, अलबत्ता अब अलबत्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि फरमाया है, आप अलैहिस्सलाम ने मीकात जो मौकीत हैं जो उम्रे के लिए या हज के लिए आते हैं उनको अहराम बांधने का एक एक मुकाम है, उनका तायुन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं या वहाँ से गुजरने वाले हैं, तो जितनी भी मीकातें हैं, अब आप मदीना मुनव्वरा चले गए हैं तो मदीना मुनव्वरा से जब आएंगे तो अब यार अली से आपको अहराम बांधना है। अगर आप राबिग वगैरह की तरफ से आ रहे हैं तब आप राबिग के जो मीकात है उससे भी अहराम बांध सकते हैं, अगर आप ताइफ जाते हैं तो ताइफ से फिर सैयद कबीर से भी अहराम बांध कर आ सकते हैं, तो ये आपके लिए उन लोगों के लिए है जो कि अहराम की उम्र की नियत से मदीना मुनव्वरा गए हैं। लेकिन अगर आप सीधे मक्का मुकर्रमा जाते हैं मदीना मुनव्वरा से बग़ैर अहराम के तो ये आपके लिए जायज़ नहीं है क्योंकि आप उम्र के लिए आए हैं, लेकिन अगर आप काम करने की गरज से जा रहे हैं या किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो फिर अहराम की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मीकात उन लोगों के लिए है, ये अहराम की पाबंदी उन लोगों के लिए है, मिम्मन अरादा अल हज वल उमरा तो जो हज और उमरे का इरादा रखता हो। हादा शर्त फला यल्ज़िमहु, यहाँ शेख फरमा रहे हैं कि शर्त जो है उन लोगों के लिए कि जो उम्रे और हज का इरादा रखते हों कस्द रखते हों। फला यल्ज़िमुल अहराम इल्ला, जब आप उम्रे और हज के लिए दाखिल हों तब आप पर यह है कि आप अहराम बांधें। अम्मा मन जाएल मक्कल तिजारा, अगर आप मक्का मुकर्रमा में तिजारत की गरज से दाखिल हुए हैं और अपने किसी रिलेटिव से मिलने की गरज से आप गए हैं
और आप इवन अगर आप किसी दोस्त से मिलने के लिए गए हैं, या शेख फरमा रहे हैं कि अगर आप किसी अपने दोस्त के अलावा सिर्फ मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने की गरज से गए हैं, उमरा शर्त नहीं है ना, तो आपको क्या करना है, आप बग़ैर अहराम के मक्का मुकरमा में दाखिल होकर नमाज पढ़ सकते हैं। फला हरम अले, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ पर और तवाफ़ करते हैं और आपकी नीयत अहराम की नहीं है, तब आपकी नीयत उम्र की नहीं है, तब आपको अहराम बांधने की ज़रूरत नहीं है। वला हरज फी ज़ालिक वल्हम्दुलिल्लाह। तो शेख ये फरमा रहे हैं कि यहाँ चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीकात का तय्यन फरमाया है और उन मीकात से अबूर करने वाले जो मोतमरीन और हज्जाज हैं, जब आप ने इरादा कर लिया है कि मैं हज और उम्रा करूँगा, मम्मन अरादा अल हज वल उम्रा, जब आपने हज और उम्रे का कस्द कर लिया है, तब आप पर ये जायज़ नहीं कि आप वहाँ से गुज़रें और आप अहराम ना बांधें। तो आपको अहराम मीकात से बांधना है, नंबर एक। नंबर दो, मक्का मुकर्रमा में अगर आप दाखिल हैं तो फिर आपको मीकात जाना पड़ेगा उम्रे की अदायगी के लिए, क्योंकि आप उम्रे के लिए अदायगी के लिए आए हुए ना, तो आपने अहराम नहीं बांधा इसलिए। और अगर आप वैसे ही चले गए हैं उम्रे की, तो फिर उस पर आपको दम वाजिब हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने उम्र की कसद से तो आप गुजरे हैं लेकिन आपने अहराम नहीं बांधा था। नंबर तीन, आप मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो सकते हैं बग़ैर अहराम के, क्योंकि आपका इरादा उम्र और हज का नहीं है। नंबर चार, अगर आप मस्जिद में दाखिल होते हैं मस्जिदुल हराम मक्कतुल मुकर्रमा में बग़ैर अहराम के, और आप अपने दोस्त से मिलने के लिए गए हैं, या हरम में नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं, या हरम में सिर्फ तवाफ़ की गरज से आप तशरीफ़ ले गए हैं, तब भी आपको उम्र अहराम की पाबंदी लागू नहीं होती। तो अहराम की पाबंदी सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है, हुन लहुन वलिमन अतअलैहिन मिन गैर अहलिहिन मिम्मन अराद अल हज वल उम्रा, जो हज और उम्रे की नीयत से मक्का मुकर्रमा में दाखिल होता है। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और इस चैनल को अगर आप ज्वाइन मेंबरशिप के ज़रिए सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जो काम अच्छा है ना वो इस लायक भी है कि उसको सपोर्ट किया जाए, तो इस ज्वाइन मेंबरशिप के ज़रिए आप सपोर्ट करें। और आप जो जानना चाहते हैं ना कि ज्वाइन मेंबरशिप क्या है, तो सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में ही ब्लू कलर का एक JOIN ज्वाइन मेंबरशिप का बटन है, उसे क्लिक करें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए इस वीडियोज़ से जहाँ जहाँ इस्लाह होगी वहाँ वहाँ लोगों के लिए यही इस्लाह का सबब बनेगा, और हम सब के लिए सदक़ा जारिया और सवाब हासिल करने का सबब इंशाअल्लाह ताला। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।